200 से जायद उनके गिरजे जो है उनको वहां नजर आतश किया गया। हिंदू जहनी तौर पर आपने तो पढ़ा भी होगा काफी, ये जहनी तौर पर मुसलमान से घबराता है, ये इसका मसला क्या है जी हमारे साथ? ये बेसिकली रिलीजन का पंगा है एवेंचुअली, तो घूम फिर के जिस कहानी जो आती है ना वो आती है जूस मुस्लिम, फिर जूस एक अलग माइनॉरिटी दुनिया पे, बेशक काबिज किसी भी तरीके से, मैं तो कहूंगा बड़ा मास्टरमाइंड था, हिंदुओं को साथ मिलाया, पाकिस्तान उनके लिए खतरा, न्यूक्लियर पावर जैसे जैद साहब ने शुरू में कहा, कहानी घूम के सर यही आती है कि क्या पाकिस्तान को तबाह करने पे ये इनका ये मास्टर प्लान रखना, नाउज़ुल्लाह जो कितना गंदा इनकी सोच है जो कभी भी कामयाब नहीं होगी। ज़हनियत है ना जी, खास अंदाज की ज़हनियत है उसमें, हमें तो दुश्मन भी मिला तो दोनों पर वो भी दुश्मन एक घटिया किस्म का है कि यानी ये है ना कि दुश्मनी के भी कोई एक मियार होता है, लेकिन एक घटिया किस्म का दुश्मन है कि जिसमें ना कोई ज़र्फ है, ना उनमें उनके यहाँ कोई बर्दाश्त है, ना रवादारी है, मक्कारी एक उनकी फितरत के अंदर शामिल है, पीठ में छुरा घोंपना शामिल है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी जो मुहावरे उनके ही बारे में बनाए गए हैं वो बिल्कुल उनकी पूरी एक हिस्ट्री जो है वो इसके मुताबिक है, इसलिए असल में